आजकल के टफ कोविड टाइम्स में हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम खाना बनाने से पहले एटलीस्ट हमेशा हाथ धो सकते हैं एक अच्छे साबुन से, जैसे मैं यहाँ पर लाइफबॉय का साबुन इस्तेमाल कर रहा हूँ। या जब भी आप घर से बाहर जाओ, कुछ भी करो, एक अच्छा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, जो कि आपको रेगुलर इंटरवल्स में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे टाइम में हमें प्रिकॉशन लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने को भी सेफ कर पाएं और दूसरों को भी साथ साथ सेफ कर पाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं चाउमीन उबालने की। मेरी बात फनी लग रही होगी कि चाउमीन उबालने में दिक्कत आने वाली है, थोड़ी सी हम चेंजेस करेंगे जिससे चाउमीन और पतली निकल कर आए, चाहे आप मोटी चाउमीन भी यूज करो, आप खुद ही देखो। तो सबसे पहले काम जो हमें करना है, ऑब्वियसली वो बड़ी सी कढ़ाई में पानी डालना है। मैंने 1 लीटर तक पानी डाला है, साथ में आप यहाँ पर नमक जरूर डाल देना। ध्यान रहे, इस पानी को नमकीन बनाना बहुत जरूरी है। और फिर हमें वेट करना है कि पानी अच्छे से उबल जाए, बॉईल होना चाहिए, और तभी हम इसमें नूडल्स डालेंगे। अब मुझे पता है आप बोलोगे कि भरत भाई ये नूडल्स कौन सी है। देखो, अभी जो सिचुएशन है, अभी करेंटली लोग मार्केट जाना नहीं चाहते। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो मैंने तो ऑनलाइन ही ली है नूडल्स, और आपको ऐसी ही नूडल्स मिलेगी। वैसे इस टेक्निक से आप कोई भी चाउमीन यूज करो, वो थोड़ी सी पतली ही निकल कर आएगी। ये बहुत आराम से मिल जाती है, मैं नीचे चीज लिख दूंगा जिससे आप आराम से ले सकते हो। जो मैंने यूज करी है वो भी लिख दूंगा। अब क्या होता है कि ये जो नूडल्स होती है पैक्ड वाली, ये थोड़ी मोटी होती है। अब इनको पतला कैसे करें, ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, आप खुद ही देखना। मैं इसको बाद में ड्राई आउट करूंगा, जिसकी वजह से ये हल्की सी पतली हो जाएंगी एंड रिजल्ट। यहाँ पर आपको नूडल्स को अच्छे से बॉईल करना है थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। हाँ, पर ध्यान रहे, नूडल्स को ओवर बॉईल बिल्कुल मत करना। अगर आप ओवर बॉईल करोगे तो ये मोटी हो जाएंगी। बस आपको इस स्टेज तक बॉईल करना है कि जब आप ऐसे तोड़ो ना तो वो ऐसे स्नैप होनी चाहिए। दैट्स इट, आप फटाफट से गैस को ऑफ करना, इसको अच्छे से स्ट्रेन कर देना, और फिर फटाफट से, यहाँ पर हाथ तेज चलने चाहिए, फटाफट से आपने इसको ठंडे ठंडे पानी से धोना है। ठंडे पानी से धोने से आप नीचे ही देखो कितना वाइट वाइट पानी है ना, जितना भी एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाएगा। और आप खुद ही देख सकते हो कि ये नूडल्स इतनी ठंडी हो गई हैं कि मैं इनको अपने हाथ से आराम से टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हाथ धोने का फायदा हो गया। खैर, आप इसको अब ट्रांसफर करना एक फ्लैट सरफेस पे, बड़ी सी सरफेस पे ट्रांसफर करना, और थोड़ा सा तेल पोर करना है आपने, और इसको अच्छे से रगड़ देना। इससे ये होगा कि नूडल्स बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। और अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ वो नूडल्स को थोड़ा सा पतला करने में मदद करेगा। वो ये है कि आप नूडल्स को बिल्कुल रेस्ट करने के लिए छोड़ देना आधे घंटे के लिए। धीरे धीरे क्या होगा कि नूडल्स थोड़ी सी हल्की सी सूखने लगेंगी, थोड़ी अपने आप ही पतली पतली सी होने लगेंगी। अभी थोड़ी मोटी है ना, तो ये खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बाजार वाला रिजल्ट तो आता ही नहीं है। लेकिन अगर आप खुली सरफेस पे इनको सूखने के लिए रख दोगे तो क्या होगा कि जो ऊपर का स्टार्च है वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा, जिस वजह से नूडल्स हल्की पतली फील होगी। बस तो मंचूरियन में मैंने तो यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, गाजर ली है, 50 ग्राम बीन्स ली है, और 1 कैप्सिकम ली है। ये सारी सब्जियां आपके पास होंगी। अगर आपको पत्ता गोभी का इस्तेमाल करना है तो आप 100% कर सकते हो। मैं तो यहाँ पर एक चॉपर का इस्तेमाल करता हूँ, चॉपर बहुत कन्वीनियंट रहता है, हाथ से चॉप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप मिक्सी का भी कर सकते हो, लेकिन मिक्सी में आपको इसको दरदरा पीसना है। ध्यान रहे, फाइन पेस्ट बना दिया मंचूरियन कभी नहीं बनेगा, दरदरा पीसना है। यहाँ पर सारी चॉप्ड अप सब्जियों को ट्रांसफर करना, इसमें आपने ज्यादा चीजें नहीं डालनी, आपने यहाँ पर बस फ्लेवरिंग के लिए नमक डालना है, 1 टीस्पून काफी होगा। साथ साथ आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल देना, अगेन 1 टीस्पून काफी होगा। और अब ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है 1 टेबलस्पून बटर। बटर से सैचुरेटेड फैट आता है, जिसकी वजह से मंचूरियन बॉल्स में मॉइस्चर आता है। अब यहाँ पर मैदा और अरारोट डाल देते हैं, और जो कॉम्बिनेशन है मैदे और अरारोट का वो है 3:2। तो मैंने यहाँ पर 4.5 चम्मच डाले हैं बड़े चम्मच मैदे के, 3 चम्मच मैंने यहाँ पर डाले हैं कॉर्न स्टार्च या अरारोट के। बस अब आप इसको अच्छे से मिला देना। अब ऐसे रेस्टोरेंट में ये क्वांटिटी और भी ज्यादा होती है, यानी कि इसमें लगभग 6 चम्मच डाल देते मैदा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट देखनी होती है ना। लेकिन घर पर बना रहे हैं तो सब्जियों से भरा हुआ बनाएंगे। अब ये देख सकते हो कि मंचूरियन कैसे हल्का हल्का ड्राई होने लगा है, कि आप इससे एक बॉल आराम से बना पा रहे हो। ये देखो, आपको ऐसा चाहिए डो, बस एक करके आप यहाँ पर सारी बॉल्स बना देना।
और अब आपने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर करेंगे तो अगेन अंदर तक पक नहीं पाएंगे, मैदा कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पर करेंगे तो ये सारा तेल पी जाएंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर आराम से फ्राई करना, एक करके डालना। खैर यहाँ पर इतना कुछ बताने वाला पॉइंट है नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसको गरम गरम जब ऐसे आप डालोगे तो स्टर मत करना, स्टर थोड़ी देर बाद ही करना जब सरफेस सेट हो जाएगी, नहीं तो आपकी मंचूरियन बॉल्स फ्राई करते हुए ही फट जाएगी। बस आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते, दैट्स इट। मीडियम फ्लेम पे करना, बस मीडियम फ्लेम पे सही रहेंगे, तो मंचूरियन बॉल्स बन गई है। अगर आप स्ट्रीट स्टाइल की बात करो तो स्ट्रीट में जनरली सारी सॉसेस सेम ही होती है, एक ही होती है और एक ही सॉस बनाई, चाहे वो मंचूरियन हो, चिली पनीर हो, हनी चिली पोटैटो हो, कुछ छोटे मोटे चेंजेस ही होते हैं। लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट की अगर बात करें तो उनमें सॉसेज में ध्यान दिया जाता है, यही फर्क होता है रेस्टोरेंट और स्ट्रीट स्टाइल में। मैं आपको अभी यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल दिखा रहा हूँ, आपकी इच्छा है आप इसको स्ट्रीट स्टाइल भी बना सकते हो, मैंने वीडियो में बताया है कैसे। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, सब्जेक्टिव है, अपने अपने फ्लेवर के ऊपर जो आपको पसंद आए आप वैसा ही मंचूरियन बनाना। मैं आपको एग्जैक्ट मंचूरियन सॉस ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी कढ़ाई या वॉक में ऐसे तेल को पहले अच्छे से ऑयलिंग कर लेना, बहुत जरूरी चीज है, ये हम घरों में नहीं करते लेकिन ये करना बहुत जरूरी होता है ताकि कुकिंग में हम जब भी स्टरिंग करें, कुछ भी करें, इवन कुकिंग हो पाए। और हाँ, जितना भी एक्सेस तेल होगा उसको आप निकाल लेना, ऐसा नहीं कि पूरा तेल तेल ही रखना। दूसरा काम जो आपने करना है, आप कढ़ाई या वॉक में तेल को अच्छे से गर्म होने देना, एकदम धुएंदार। बस जैसे ही आप इस स्टेज पे आ जाओ, अब बस आपने यहाँ पर कटा हुआ अदरक लहसुन डालना है, प्याज डालना है, कैप्सिकम डालना है, थोड़ी देर इसको सौते करना है, बहुत थोड़ी देर तक। थोड़ी देर सौते करने के बाद आप यहाँ पर 2 कप तक पानी डाल देना। पानी के साथ साथ सारी फ्लेवरिंग एजेंट भी डाल देते हैं, जैसे कि नमक, काली मिर्च और चीनी, बैलेंसिंग के लिए चीनी, ज़्यादा चीनी बिल्कुल भी नहीं। और सॉसेस भी डाल देते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस डाली है, 1 टीस्पून तक विनेगर डाला है, मैं तो बिल्कुल आई बॉल करके डाल लेता हूँ अपने हाथों से ही डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं होती। आप ऑब्वियसली मेजर करके डालना, विनेगर के साथ साथ थोड़ी सी रेड चिली सॉस, बस और कुछ नहीं डालेंगे, और सॉसेस नहीं डालेंगे। कई लोग टमाटो केचप डालते हैं, अगर आप डालना चाहते हो तो आप जरूर डालना, कई लोग शेजवान सॉस भी डालते हैं, आप डालना चाहते हो आप जरूर डालना। अब बस वेट करेंगे कि अच्छे से बॉयल आना चाहिए, बॉयल अच्छे से होना चाहिए, फिर हम अरारोट की स्लरी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अरारोट लिया है, 1 चम्मच अरारोट को 1 कप पानी में डाला है, उसको अच्छे से आप पहले मिला लेना। अरारोट को पहले हमेशा नॉर्मल पानी में मिलाते हैं और फिर ही मिलाने के बाद ही आप इसमें उबलती हुई गरम गरम सॉस में डालना, फिर ही डालना, डायरेक्टली 1 चम्मच मत डाल देना, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। और बस अब आपने वेट करना है कि ये सॉस जो है वो थिक हो जाए, अच्छे से बॉयल आ जाए अगेन। और आप देख सकते हो अब वैसा बॉयल नहीं आ रहा, अब थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा सा अटक के बॉयल आ रहा है, बिल्कुल ऐसा चाहिए हमें, क्योंकि सॉस गाढ़ी हो गई है ना। बस इस स्टेज पे आप डालना मंचूरियन, अगर आप पहले पानी में डाल दोगे ना मंचूरियन तो डालते ही गल जाएंगे। इस स्टेज पे आप डालना, इनको थोड़ा सा बॉईल कर लेना ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और आप देख सकते हो कुछ कुछ ऐसी सॉस मिली है, दैट्स इट। मंचूरियन बनके पूरे तैयार है, आप ऑब्वियसली ऊपर से हरा प्याज डाल सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है, बट मंचूरियन बनके पूरा तैयार है। अच्छा, चौमिन की बात कर रहे थे, चौमिन के लिए क्या क्या लिया है मैंने, चौमिन के लिए वही सब्जियां ली हैं, सेम ही है, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स है साथ में। बस यहाँ पर जो चॉपिंग की जो बात है ना, यहाँ पर चॉपर की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसे स्लाइसेस में चॉप करना है, बिल्कुल जैसे चौमिन होती है कुछ कुछ वैसे ही रिजेम्बलेंस आपने देना है, चाहे वो प्याज हो, गाजर हो, बीन्स हो, ऐसे ही करना। और वैसे सच बोलूँ तो ऐसे स्लाइस करने में काफ़ी आसानी होती है, ये भी बहुत जल्दी हो जाता है। बस जब आपकी सब्जियाँ रेडी हो जाए तो फटाफट से आप चौमिन बनाना शुरू करते हैं। अगेन जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना कि वॉक में या कढ़ाई में आप पहले काफी तेल डालना, उसको अच्छे से गर्म करना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, और फिर एक्सेस तेल जितना भी होगा आप उसको निकाल देना। और अब चौमिन बनाना शुरू करते हैं, एकदम गरम गरम कढ़ाई या गरम गरम वॉक, तेल से धुआं निकलना चाहिए तभी अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो वो रिजल्ट आएगा ही नहीं। ऑब्वियसली हमारे पास घर में वैसे बर्नर नहीं है जो कि बाजार वाला रिजल्ट दे दे, स्मोकीनेस वाला, लेकिन हम घर में कोशिश तो कर सकते हैं ना। थोड़ा सा आपने इनको सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आपने इनको सौते करना है, और जैसे ही प्याज का कलर हल्का हल्का सा चेंज हो जाए
ट्रांसलूसेंट हो जाए, फिर आप यहाँ पर सारी कटी हुई सब्जी डाल देना एक्सेप्ट पत्ता गोभी। अगर आप पत्ता गोभी डाल रहे हो तो वो एकदम एंड में जाएगी। और इनको भी आपने थोड़ी देर तक सौते करना, ज्यादा देर तक नहीं करना, 2 से 3 मिनट करना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपने चौमिन बनाते हुए हमेशा सुपर हाई फ्लेम पर कुकिंग करनी है। जितनी भी आपका जो फ्लेम है, जो जितना हाई टेम्परेचर पे जा सकती है, उतने हाई टेम्परेचर पर आपने कुकिंग करनी है। बिल्कुल यही सीक्रेट है अच्छी चौमिन बनाने का। थोड़ी देर बाद जब सारी सब्जियां हल्की सी स्टर फ्राई हो जाए, फिर आप यहाँ पर नूडल्स डाल देना। और आप खुद ही देख सकते हो कि नूडल्स कितनी अलग अलग है और थोड़ी सी आपको पतली भी लग रही होंगी अगर आप ध्यान से देखो तो। नूडल्स के साथ साथ आपने यहाँ पर नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है। अगर आप डालना चाहते हो तो आप अजीनोमोटो भी डाल सकते हो बाजार जैसा रिजल्ट देने के लिए, बिल्कुल आपके ऊपर है। मैंने बस इसके ऊपर थोड़ी सी सोया सॉस डाली है, थोड़ा सा विनेगर डाला है, ज़्यादा नहीं, एक टीस्पून आप कह सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अगेन, आप स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। दैट्स इट, आप चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिलाओ। पर चौमिन बनके पूरी तैयार है। तो दोस्तों, घर में इस लॉकडाउन मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ चौमिन और मंचूरियन को। अगर आप भी मेरी तरह कर रहे हो तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगी।